Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So, now in the class of purchasing power parity, we are continuing with a new topic and today's topic is long run exchange rate model based upon purchasing power parity. Yani hum ये तय करने की कोशिश करेंगे कि परचेजिंग पावर पैरिटी से एक्सचेंज रेट डिटामिनेशन कैसे इस्टेब्लिश होता है यानी अगर मनी सप्लाई चेंज कर दें तो uh, मनी सप्लाई के चेंज होने से एक्सचेंज रेट पर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर एक कंट्री में इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा आउटपुट चेंज हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं मॉनिटरी अप्रोच क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉनिटरी अप्रोच ठीक है मॉनिटरी अप्रोच टू परचेजिंग पावर पैरिटी एक एक करके चीज़ों को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं या मॉनिटरी अप्रोच टू एक्सचेंज रेट हम पढ़ने वाले हैं पहले समझाता हूँ फिर लिखवाऊंगा देखिए हम एक बात मानते हैं यहाँ पे कि जो हम मनी सप्लाई जब चेंज करते हैं तो प्राइसेस चेंज हो जाते हैं अब यहाँ पर इकोनॉमिस्ट में एक राय नहीं है एक सेक्शन ऐसा है जो मानता है कि इमीडिएटली प्राइस तो रिजिट होते हैं मनी सप्लाई बढ़ने से इमीडिएटली प्राइस नहीं बढ़ते लॉन्ग रन में प्राइस Uh, जो है uh, जितना आपने मनी सप्लाई बढ़ाया उतना बढ़ जाते हैं एक सेक्शन ऐसा है जो मानता है नहीं थियोरेटिकली ऐसा लगता है कि प्राइस लॉन्ग टर्म में चेंज होंगे लेकिन प्राइस इमीडिएटली चेंज हो जाते हैं तो अभी हम इसी बात को मान के चल रहे हैं कि प्राइसेस इमीडिएटली राइट अवे तुरंत चेंज हो जाने वाले हैं तो ऐसा होने पर मनी सप्लाई के चेंज होने का एक्सचेंज रेट पे क्या असर पड़ेगा वो हम यहाँ पर समझेंगे ठीक है लिखना शुरू करते हैं

आज की क्लास में टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं होगा लेकिन जहाँ तक भी आज जा पाएंगे देखते हैं ये थोड़ा लंबा समय लेगा टॉपिक आपका ठीक है दो तीन क्लास ले जाएगा ये टॉपिक पहली बात तो ये हम मॉनिटरी अप्रोच की जब बात करते हैं जैसे मैंने कहा हम लॉन्ग रन मानते हैं कि मान रहे हैं प्राइसेस जो हैं वो फुल्ली फ्लेक्सिबल होने चाहिए तो लिखिए इस बात को भी वी थिंक ऑफ मॉनिटरी अप्रोच एज वी थिंक ऑफ मॉनिटरी अप्रोच एज अ लॉन्ग रन एज अ लॉन्ग रन एंड नॉट अ शॉर्ट रन एज अ लॉन्ग रन एंड नॉट अ शॉर्ट रन थ्योरी बिकॉज इट डज नॉट अलाउ फॉर इट डज नॉट अलाउ फॉर प्राइज रिजिडिटीज क्योंकि देखिए हम जब लॉन्ग रन इसलिए बोल रहे हैं कि लॉन्ग रन में जब प्राइज रिजिडिटीज को फिर अलाउ नहीं करेगा शॉर्ट रन में तो प्राइस रिजिड हो सकते हैं ठीक है इकोनॉमिक्स में इस बात को लेकर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी भी लिख लेते हैं इस बात को भी देर इज एक्चुअली देर इज एक्चुअली कंसिडरेबल कॉन्ट्रोवर्सी कंसिडरेबल कॉन्ट्रोवर्सी अमंग मैक्रो इकोनमिस्ट्स अमंग मैक्रो इकोनमिस्ट अबाउट द सोर्सेज ऑफ अबाउट द सोर्सेज ऑफ अपरेंट जो नजर आते हैं अपरेंट प्राइस स्टिकीनेस इकोनॉमिक्स में एक इतना नहीं कुछ लोग जिसमें अभी आपको बताया था कुछ इकोनॉमिक मानते हैं कि लॉन्ग रन में प्राइसेस चेंज होंगे कुछ कहते हैं नहीं ये तुरंत दो मिनट की मैगी है ये तो पानी में डालो मसाला डालो तैयार तो जैसी मनी सप्लाई यहां से मनी सप्लाई बढ़ाई वहां से प्राइस बढ़ गए सो देर इज एक्चुअली कंसिडरेबल कॉन्ट्रोवर्सी अमंग मैक्रो इकोनॉमिट अबाउट द सोर्सेज ऑफ एपरेंट जो नजर आता है प्राइस लेवल स्टिकीनेस विद सम मेंटेनिंग दैट प्राइसेज एंड वेजेस विद सम मेंटेनिंग दैट प्राइसेज एंड वेजेज ओनली अपीयर एज रिजिड ओनली अपीयर एज रिजिड वो नारियल की तरह हैं बाहर से नजर आते हैं सख्त है अंदर से बहुत मुलायम तुरंत बदल जाते हैं ओनली अपियर एज रिजिड एंड इन रियलिटी एंड इन रियलिटी एडजस्ट इमीडिएटली एडजस्ट इमीडिएटली टू क्लियर मार्केट्स तो कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो आप प्राइसेज की बात करें प्राइस टिकीनेस की बात करें सिर्फ एपर इंटर नजर आता है एक्चुअली में प्राइस तुरंत क्लियर कर जाते हैं ठीक है जी सो हेयर वी आर कंसिडरिंग दिस व्यू पॉइंट ओनली हम यही व्यू पॉइंट मान के चल रहे हैं कि प्राइसेस तुरंत एडजस्ट कर जाएंगे ठीक है जी अच्छा तो हम ये मान के भी यानी चलने वाले हैं कि जैसे आपने मनी सप्लाई को बढ़ाया वैसे ही प्राइसेस बढ़ जाने वाले हैं मनी सप्लाई को घटाया तो तुरंत प्राइसेस कम हो जाने वाले हैं ये बात आप मान के चलिए बाप तो देखिए आगे नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं जरा टू डेवलप मॉनिटरी अप्रोच प्रोडिक्शन टू डेवलप मॉनिटरी अप्रोच प्रिडिक्शन For the dollar euro exchange rate, for the dollar euro exchange rate, we will assume that in the long run, we will assume that in the long run the foreign exchange market sets the rate. Foreign exchange market sets the, sets the rate so that purchasing power parity holds. That is यानी हम मान रहे हैं जो हमने पहले पढ़ा था लास्ट क्लास में हम मान रहे हैं एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर पर यूरो इज़ प्राइस ऑफ गुड्स इन यूएस मार्केट अपॉन प्राइस ऑफ गुड्स इन यूरोपियन मार्केट पी यूएस अपॉन पी यूरोप यहां पे मैं ई e लिख देता हूं अब साइलेंट की बजाय ई लिखो हूं प्राइस इन यूरोप दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट this equation implies that the exchange rate of dollar per euro is based upon the exchange rate of dollar per euro is based upon price of goods in US market and price of good in European market. Clear? this is a very assumption that money supply will We assume that. We assume that. We assume that the above equation would hold the above equation would hold in a world where there are no market rigidities where there are no market rigidities to prevent to prevent the exchange rate the exchange rate and other prices from adjusting immediately कोई रोक नहीं रहा है एडजस्टमेंट को प्राइसेस तुरंत एडजस्ट करेंगे एक्सचेंज रेट तुरंत एडजस्ट करेगा इमीडिएटली उसके आगे लिखिए टू द लेवल्स कंसिस्टेंट विद फुल एम्प्लॉयमेंट यानी हम ये यहां मान के चल रहे हैं प्राइसेस और एक्सचेंज रेट तुरंत एडजस्ट करेंगे इमीडिएटली एडजस्ट करेंगे जैसे ही कोई डिस्टर्बेंस आएगी तुरंत अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेंगे शॉर्ट रन में ही यह एकदम से एडजस्ट कर जाएंगे ये जम्शन लेके चल रहे हैं हम लोग ठीक है अच्छा अब एक चीज हम पहले पढ़ चुके हैं उसको वापस यहां पे यूज करने वाले आप यह बात जानते हैं कि आपने पढ़ा था मैक्रो में आपने पढ़ा था जो मनी सप्लाई होती है वो मनी डिमांड के बराबर होती है मनी सप्लाई मनी डिमांड दोनों बराबर होते हैं ठीक है सो वी नो दैट वी नो दैट फॉर मनी मार्केट इक्विब्रियम इन एन इकॉनमी फॉर मनी मार्केट इक्विलिब्रियम मैंने इकोनॉमी मनी सप्लाई अपॉन प्राइस इज इक्वल टू रियल मनी डिमांड ये आप जानते हैं रियल मनी सप्लाई इज इक्वल टू रियल मनी डिमांड यहां ये जो आर है आर क्या है आर है इंटरेस्ट रेट और वाई है आउटपुट एम मनी सप्लाई है पी प्राइस लेवल है और ये एल आर वाई पूरा क्या हैं रियल मनी डिमांड ये बात तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जब से मैक्रो पढ़नी स्टार्ट की तब से बात पढ़ रहे हैं उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं दस फॉर यूएस इकॉनमी दस फॉर यूएस इकॉनमी वी हैव पी यूएस फॉर यूएस इकॉनमी वी हैव पी यूएस इज इक्वल टू मनी सप्लाई ऑफ यूएस डिवाइड बाय रियल मनी डिमांड इन यूएस इकोनॉमी और ये जो रियल मनी डिमांड है इसको हम डॉलर टाउ से एक्सप्रेस कर लेते हैं ये इसको हम आर को भी डॉलर्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं और वाई को भी डॉलर्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं एंड फॉर यूरोपियन इकॉनमी वी हैव पी यूरोप इज इक्वल टू मनी सप्लाई इन यूरोप डिवाइड बाई रियल मनी डिमांड आर इन यूरो टर्म्स वाई इन यूरो टर्म्स ठीक है यूरो का थोड़ा सा डबल होता है मैं सिंगल बना रहा हूँ तो आप अकॉर्डिंगली उसको देख लीजिएगा एडजस्ट कर लीजिएगा तो मैं इस बात को बोल चुका हूँ यहाँ पर आपको आप लिखना चाहें लिख सकते हैं हेर एम एस स्टैंड फॉर एम एस स्टैंड फॉर कंट्रीज मनी सप्लाई एल आर वाई इज एल आर वाई इज़ रियल मनी डिमांड पी इज़ प्राइस लेवल ठीक है, क्लियर तो अब देखिए जरा एक रिलेशन समझते हैं एक रिलेशन समझिएगा जरा अगर यूएस में अभी लिखवा दूंगा समझते हैं अगर यूएस में मनी सप्लाई बढ़ जाए तो क्या होगा यूएस में अगर मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से यूएस के प्राइस बढ़ जाएंगे और अगर यूएस के प्राइस बढ़ जाएंगे इस इक्वेशन में देखिए तो एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा नहीं एक्सचेंज रेट डॉलर पर यूरो बढ़ जाएगा यानी डॉलर डेप्रिशिएट कर जाएगा इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर पर यूरो इंक्रीजेज यानी डॉलर डेप्रिशिएट करेगा इसका उल्टा भी है अगर यू एस में मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो यू एस में प्राइस कम हो जाएगा यू एस में प्राइस कम होगा तो एक्सचेंज रेट कम होगा यानी डॉलर एप्रीशिएट कर जाएगा इसी तरह से अगर यूरोप में मनी सप्लाई बढ़ जाती है यानी अगर मनी सप्लाई बढ़ती है यूरोप में तो उसकी वजह से यूरोपियन प्राइस बढ़ेगा और यूरोपियन प्राइस बढ़ने से यहाँ पे इस इक्वेशन में देखिए पी ई डिनोमिनेटर में है यूरोपियन प्राइस बढ़ेगा तो एक्सचेंज रेट फॉल करेगा यानी डॉलर एप्रीशिएट करेगा आप इस बात को मैं मानता हूँ जानते हैं एक्सचेंज रेट के राइज करने का मतलब ये है डॉलर डिप्रीशिएट करता है एक्सचेंज रेट के फॉल करने का मतलब यह है कि डॉलर अप्रीशिएट करता है ये तो एक बेसिक प्रमाइस है मैं ऐसा मानता हूँ जान रहे हैं इस बात को तो इससे क्या होगा इससे होगा ये अगर प्राइस यूरोप में बढ़ेगा तो एक्सचेंज रेट डॉलर पर यूरो फॉल करेगा यानी डॉलर एप्रीशिएट कर जाएगा ये कहानी फिर इंटरेस्ट रेट के साथ भी चलेगी ये कहानी फिर आउटपुट के साथ भी चलेगी सबको एक एक करके समझते हैं जरा ठीक है अभी इसको लिखवाऊंगा तो लिखिए पहले अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ पीपीपी According to the statement of PPP, that is equation here equation. That is E dollar per euro is equal to P US upon P Europe. The dollar price of euro yani E dollar per euro is simply the ratio of is simply the ratio of prices in US economy and prices in European economy. So the monetary approach, the monetary approach makes the general prediction makes a general prediction that the exchange rate of dollar per euro exchange rate of dollar per euro is fully determined is fully determined in the long run in the long run by relative supplies of relative supplies of money in us market मनी इन यूरोपियन मार्केट एंड रियल मनी डिमांड इन यूएस मार्केट कॉमा रियल मनी डिमांड इन यूरोपियन मार्केट यानी मनी सप्लाई और मनी डिमांड मिलके एक्सचेंज रेट को तय कर देती हैं। एंड दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन कैन बी अंडरस्टूड कैन बी अंडरस्टूड इन फॉलोइंग स्टेप्स ये स्टेप्स हैं देखिए जरा मैंने जो बताया लिखवा रहा हूं खाली पहली बात है मनी सप्लाइज मनी सप्लाइज ये जो मैंने यहां पे एक छोटा सा एरो बनाया था उसको सिर्फ लिखवा रहा हूं मैं ये जो मैंने बनाया है इसको सिर्फ अब मैं लिखवाने वाला हूं समझा तो चुका हूं मैं आपको लिख लीजिए मनी सप्लाइज कीपिंग एवरीथिंग एल्स एज कॉन्स्टेंट कीपिंग एवरीथिंग एल्स एज कॉन्स्टेंट अ परमानेंट राइज इन A permanent rise in US money supply, permanent rise in US money supply, yani MSUS, MS permanent rise in US money supply would cause a proportional increase, would cause a proportional increase in the long run US price level, PUS jaega. And from purchasing power parity, we can find that.

For example if US money supply is increased by 10% US money supply is increased by 10% then the prices in US will increase by 10% and consequently exchange rate of dollar per euro will also increase by 10% consequently exchange rate of dollar per euro will increase by 10% that is डॉलर विल डेप्रीशिएट अगेंस्ट यूरो बाय टेन परसेंट इसी तरह से सिमिलरली इफ मनी सप्लाई इज इंक्रीज इन यूरोप इट विल कॉज इंक्रीज इन प्राइसेस इन यूरोपियन इकोनॉमी, एंड बाय पीपीपी, पी डॉलर पर यूरो इज इक्वल टू पी यूएस अपॉन पीई बाय पीपीपी इंक्रीज इन पीई वुड कॉज प्रपोर्शनल डिक्रीज इन ई डॉलर पर यूरोट इज डॉलर विल एप्रीशिएट या कह लीजिए यूरोप्रीशिएट करेगा तो जो कंट्री अपनी मनी सप्लाई बढ़ाएगी उसकी करेंसी डेप्रीशिएट कर जाएगी बहुत सिंपल सी बात यह जिस कंट्री ने मनी सप्लाई को बढ़ाया उसकी करेंसी डेप्रीशिएट कर जाएगी समझ गया जी कोई इसमें क्या कहते हैं रम खानी बात तो है नहीं बस सिंपल सा एक सिंपल सा इक्वेशन है हर कोई समझ रहा है इस बात को अब देखते हैं इंटरेस्ट रेट से क्या फर्क पड़ेगा जी देखिए इंटरेस्ट रेट्स देखिए आप ये जानते हैं कि ये जो एल आर वाई है एल आर वाई उसका इंटरेस्ट रेट के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है इनकम के साथ पॉजिटिव होता है इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से मनी डिमांड कम हो जाती है या बात ये जब मनी मार्केट आपने पढ़ा था मैक्रो जब पढ़नी शुरू करते हैं हम लोग ना वहीं मनी डिमांड कर पढ़ा हैं। लेते हैं यहाँ इंटरेस्ट लेते हैं ठीक है तो हम ये बात समझा लेते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मनी जो है उसकी डिमांड कम हो जाएगी यहाँ मनी लेते हैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से मनी डिमांड क्या हो जाती है कम हो जाती है ये बात ध्यान है आपको तो आप सोचिए अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मनी डिमांड फॉल करेगी मान लीजिए यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो मनी डिमांड फॉल करेगी मनी डिमांड फॉल करने से क्या होगा यूएस का प्राइस लेवल बढ़ जाएगा और यूएस का प्राइस लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा ये इक्वेशन क्या बता रही है यूएस का प्राइस बढ़ेगा इसका मतलब क्या आ रहा है जी यहाँ पे सब हटा देते हैं देखिए एक लेटर को हटाते हैं यूएस का प्राइस बढ़ने का मतलब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा डॉलर डिप्रिशिएट करेगा यानी अगर जिस कंट्री में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा उस कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट कर जाएगी ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडक्ट्री रिजल्ट है इसमें पैराडॉक्स है इसको आगे की क्लासेस में डिस्कस करना है जो बच्चे जानते हैं पुरानी बात को याद है वो यहीं अटक जाएंगे यहीं रुक जाएंगे उनकी गाड़ी अटक जाएगी यहाँ पे आके कि सर ये क्या हो गया इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर तो हमारी करेंसी को अप्रिशिएट करना चाहिए ये डेप्रीशिएट क्यों कर रही है यहाँ पे एक पैराडॉक्स है इसका जवाब मिलेगा आपको थोड़ा इंतजार कीजिए मिलेगा इसका जवाब फिलहाल के लिए जो बता रहा हूँ वो लिखिए लिखिए An increase in interest rate, increase in interest rate on dollar denominated assets. Dollar denominated assets decreases the real money demand for dollar, decreases real money demand for dollar, which causes L R Y Kamhogato, which causes price in US market to rise. And from purchasing power parity, this will result in this will result in depreciation of dollar. Exchange but dollar ka depreciation. This will result in depreciation of dollar against euro. Similarly, similarly, if interest rates in Euro, interest rates in euro denominated assets increase. रियल मेनी डिमांड फॉर यूरो वुड फॉल विच विल कॉज इंक्रीज इन प्राइसेज इन यूरोपियन इकोनमी एंड थ्रू पीपीपी वी कैन फाइंड आउट दैट फॉल इन पी पी कॉजेज इंक्रीज इन ई डॉलर पर यूरोनि डॉलर एप्रिशिएट करेगा कॉजेज इंक्रीज इन ई डॉलर पर यूरो दैट इज डॉलर एप्रीशिएट तो सिंपल सी बात है सर जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा उसकी करेंसी डेप्रीशिएट करेगी ये एक पैराडॉक्स है इसका जवाब देना है मुझे आगे बच्चे देखिए जो पुरानी बात याद नहीं रखते वो तो लिखते जाएंगे मैं लिखवा रहा हूँ लिख रहे हैं मस्ती से लिखे जा रहे हैं सर बोल रहे हैं सही बोल रहे होंगे लिखो 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 उसको रटाई मार लो लेकिन जिसको पुरानी बात याद होगी उसकी सुई अटक जाएगी यहाँ पे आगे ये क्या होगा रुको, रुको 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 भाई रुक जाओ यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ने से तो हमारी करेंसी को अप्रिशिएट करना चाहिए ये तो उल्टा स्टेटमेंट हो रहा है एकदम मैं बोल चुका हूँ इसका जवाब मिलेगा थोड़ा सब्र करिए ये लंबी कहानी है इतनी जल्दी से नहीं बता रहा थोड़ी लंबी कहानी नेक्स्ट लेक्चर में इसको करना डिटेल में विस्तार में डिस्कस करेंगे इसको फ़िलहाल लिख लिया आपने मैंने फिर से बोल रहा हूँ क्या लिखा आपने

तीसरा जो फैक्टर हमारे पास है और वो है आउटपुट लेवल आउटपुट लेवल ये बहुत सिंपल बात है सर देखिए आउटपुट लेवल का क्या है वाई के है के नीचे प्लस साइन आउटपुट बढ़ेगा मान लीजिए यूएस में आउटपुट बढ़ा तो यूएस आउट बढ़ने से यूएस में मनी डिमांड बढ़ जाएगी मनी डिमांड है डिनोमिनेटर में इक्वेशन में तो यूएस का प्राइस लेवल कम होगा यूएस का प्राइस लेवल कम होगा अगर तो एक्सचेंज रेट भी कम होगा यानी डॉलर एप्रिशिएट कर जाएगा ठीक है बात तो अराइज इन यूएस आउटपुट रेजेज अ राइज इन यूएस आउटपुट रेजेज या इंक्रीजेज रियल यूएस मनी डिमांड विच कॉजेज विच कॉजेज लॉन्ग रन यूएस प्राइस लेवल टू फॉल एंड अकॉर्डिंग टू पीपीपी अकॉर्डिंग टू पीपीपी A fall in U.S. price levels would result. A fall in U.S. price levels would result in increase in exchange rate. Would result in sorry increase? Not, sorry. Would result in decrease. Increase will double Would result in decrease in exchange rate of dollar per euro. Decrease in exchange rate dollar per euro. That is dollar will appreciate against Europe similarly similarly if output in European economy increases European money demand will rise and European price level will fall according to PPP this will cause increase in exchange rate of dollar per Euro so dollar will depreciate और यूरो विल अप्रीशिएट अगेंस्ट डॉलर डॉलर डेप्रीशिएट करेगा अगेंस्ट यूरो यूरो यूरोप्रीशिएट करेगा अगेंस्ट डॉलर तो नेट शेल में बात क्या होगी जिस कंट्री का आउटपुट बढ़ेगा उस कंट्री का करेंसी जो है वो एप्रीशिएट करेगा वी कैन कंक्लूड इफ आउटपुट ऑफ अ कंट्री इनक्रीजेज एट्स करंसी विल अप्रीशिएट जिस कंट्री का आउट बढ़ेगा उसी करेंसी कर जाएगी एप्रीशिएट ये सिंपल सा एक बहुत सिंपल सा कंक्लूजन है मगर यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है जैसे ही ये इनमें से कुछ भी चेंज हो रहा है आप देख रहे हैं हम तुरंत प्राइसेस को चेंज कर रहे हैं हमें मान के चल रहे हैं कि प्राइसेस टिकी नहीं हैं प्राइसेस फ्लेक्सिबल हैं इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं तुरंत जैसे ही कुछ हुआ वैसे ही प्राइसेस चेंज हो गए इमीडिएट रिस्पॉन्स है प्राइसेस का और उसके बेसिस पे हम ये कंक्लूजन सब दे पा रहे हैं ठीक है जी तो ये कथा हुई अभी तक की हमने मॉनिटरी अप्रोच में यहाँ तक पढ़ा अब हमको ये डिस्कस करना है कि ये इंटरेस्ट रेट का सॉरी इंटरेस्ट रेट का जो ये रिज़ल्ट आ रहा था ये कॉन्ट्राडिक्ट्री क्यों आ रहा था ये लंबी कहानी है ठीक है ये लंबी कहानी है तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ भी हम कंक्लूड कर रहे हैं यहीं से नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे और ये समझेंगे कि इंटरेस्ट रेट की कथा क्या है ये कहानी जब तक आपको बताइए बहुत आसान है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत मुश्किल हो तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये बात पूरी समझ गए फिर भी अगर आपके में कोई बात है कोई डाउट है कोई समझ नहीं आया है तो डाउट सेशन में डिस्कस करेंगे ठीक है ओके जी थैंक यू गुड बाय